आखिरकार तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति को अपना समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया है और उसके उसके पहले सारे मंत्रियों ने अपना इस्तीफा भी सौंपा प्रधानमंत्री को। हमसे बातचीत करने के लिए हैं अब पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी मोहन जाटुआ जी। मोहन जी, सबसे पहले की सवाल जवाब प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए उस समय पर गए, तो क्या उसके पहले कुछ औपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री ने आप लोगों से बातचीत किया कि किसी बात का कोई रूटीन थिंग्स? आवर ऑब्लिगेशन वाज बिकॉज ऑफ द एंटी पीपल पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट, आवर पार्टी डिसाइडेड, रादर वी ऑल डिसाइडेड दैट वी शुड नॉट कंटिन्यू विद दिस गवर्नमेंट, वी शुड रिजाइन फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री। तो उसके लिए हमारा इस्तीफा पत्र लेकर के पीएम का पास गया, उसका हैंड ओवर किया, हैंड रिटन, ऑल हैंड रिटन इस्तीफा पत्र, उसका हैंड ओवर किया, निकाला है, नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिस्कशन। तो FDI को लेकर अब सड़कों के पर और जनता के बीच में जाने की बात है, अगर सरकार इससे भी नहीं मानती है तो और कितने कड़े कदम उठाकर आप जताएंगे वहाँ? तो फ्यूचर विल से, और हम तो अभी बिलीव करता है ये डिसीशन गवर्नमेंट लेता ले लिया है, इंक्रीज ऑफ डीजल, FDI इंट्रोडक्शन इन स्मॉल रिटेल बिजनेस एंड दिस गैस सिलेंडर का जो प्राइस, हमारा पार्टी एवं हमारा सब हम लोग विश्वास करता है ये एंटी पीपल पॉलिसी है, इसका पीपल का इंटरेस्ट में विरुद्ध इसको, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड वी शुड कम आउट फ्रॉम द पार्टी। तो ये थे हमारे साथ मोहन जाटुआ जी, जिनका स्पष्ट तौर पर मानना था कि सरकार से तो वापसी हो चुकी है और जिस मुद्दे को लेकर समर्थन वापस लिया गया है उस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरा जाएगा, लोगों के बीच में जाया जाएगा और उस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरीके से घेरने में कहीं से भी तृणमूल कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ न्यूज़ पॉइंट के लिए शैलेश तिवारी, दिल्ली से।